हे फूडीज, तो आज हम बनाएंगे पास्ता, वो भी प्रेशर कुकर में। आजकल वन पॉट रेसिपीज आप काफ़ी देख रहे होंगे, मतलब कि एक ही बर्तन में कुछ भी सब्जी या कोई भी रेसिपी बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें ले ली हैं, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, प्याज। इसके अलावा आपको कोई और वेजीज डालनी है आप डाल सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली, स्वीट कॉर्न्स, गाजर, मटर, बीन्स, जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सारी सब्जियाँ हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे, और साथ ही मैं ये बनाऊंगी इंडियन स्टाइल में, जो हमारे इंडियन मसाले हैं वो डाल के मैं इंडियन पास्ता बनाऊंगी। बट आप चाहें तो लास्ट में चीज़ वगैरह और ओरिगैनो वो सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको इटालियन फ्लेवर भी आए। तो सब कुछ चॉप कर लेने के बाद अब है रेसिपी की बारी। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और यहाँ पे ऐड किया थोड़ा सा ऑयल। साथ में हम डालेंगे जीरा, जो लहसुन मैंने चॉप की थी वो डाल दिया है, प्याज और हरी मिर्ची। ये सब डालने के बाद थोड़ा हम फ्राई करेंगे, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। तो इसके लिए आप मैक्रोनी या पेने पास्ता, ये स्पाइरल वाला पास्ता, कोई भी पास्ता आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और प्याज यहाँ पे हो गए हैं फ्राई, मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, और साथ ही जो हम मसाले घर पे यूज़ करते हैं सब्ज़ी में वही डाल रही हूँ मैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च। अब सब कुछ अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो सब्जियां हैं और जो मसाले हैं अच्छे से भुन जाएं। इसके बाद है पास्ता है डालने की बारी। तो पास्ता में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पहले वॉश कर लिया, उसके बाद यहाँ पे ऐड किया है। और पास्ता डालने के बाद फिर आपको इसमें डालना है पानी, आपको अपने हिसाब से देखना है कि कितने पानी में ये पक जाएंगे। और मैंने इसमें 3 सीटी लगाई थी, अब आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 सीटी में ये प्रॉपर पक गया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पास्ता रेडी हो गया है, और लास्ट में मैंने इसमें केचप डाल के इसको एंजॉय किया था। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि काफ़ी गर्म है, आप चाहें तो चीज़ ऐड कर सकते हैं, और जो सीजनिंग है ओरिगैनो या चिली फ्लेक्स वो ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट में मैंने केचप डाल के खाया था, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्विकली बन जाता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।